अगर आप एक छात्र हैं या फिर आपने विद्यार्थी जीवन व्यतीत किया तो अपने जीवन काल में कभी ना कभी आपने ब्राह्मी का नाम जरूर सुना होगा। स्पेशली तब जब हमारे एग्जाम्स नज़दीक हुआ करते थे और हमें 7 दिन में पूरे साल का सिलेबस ख़त्म करना होता था, और जब हम पढ़ने बैठते थे और हमारा दिमाग फोकस नहीं कर पाता था, तो उस टाइम बहुत से लोग सजेस्ट करते थे ब्राह्मी सीरप के लिए, ब्राह्मी बटी के लिए। तो ये वही ब्राह्मी का पौधा है। शायद बहुत से लोग अब कमेंट बॉक्स में आने वाले हैं कि ये ब्राह्मी का पौधा नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्राह्मी दो तरह के पौधों को जो है ब्राह्मी कहाता है, क्योंकि पहले के जो हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं वो लिखित में हुआ करते थे, जिनमें कोई फोटो नहीं हुआ करती थी। उनमें पौधे का विवरण, पौधे के गुण को बताया जाता था। बाद में उन्हीं विवरण के आधार पर हम पौधे की पहचान किया करते थे। दोनों ही तरह के पौधों को आप ब्राह्मी बोल सकते हैं, दोनों के गुण समान हैं। इस पौधे को ब्राह्मी बोटी, गोटू कोला और संस्कृत में मंडूक पर्णी कहता है। इसका साइंटिफिक नेम सिंटेला एसियाटिका है। यह एक परमानेंट पौधा है और नमी युक्त स्थान पे अक्सर देखने को मिल जाता है। अगर आपके आसपास के स्थान पे नहीं मिलता है तो आप इसको नर्सरी से भी परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे जाकर के आप ब्राह्मी के पौधे को मांगे, वहाँ पे आपको ये पौधा बड़े आराम से देखने को मिल जाएगा। अगर आपके किसी मित्र यार के पास ये पौधा है तो वहाँ पे जो है इस तरह के रनर्स निकलते हैं ब्राह्मी पौधे में, इनमें इस तरह की जड़ें निकलती हैं। तो आप चाहें तो यहीं से कट करके इनको बड़े आराम से प्रोपगेट कर सकते हैं, अपने पास लगा सकते हैं। या फिर अगर आपके मित्र यार के पास नहीं है तो आप इसको नर्सरी से या फिर किसी नमीयुक्त स्थान पर ढूंढ करके वहां से ला करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बात करें अगर इस प्लांट के पहचान की, तो आप इनके पत्तों के शेप से बड़े आराम से इनको पहचान सकते हैं। इस पौधे की बनावट भी काफ़ी अलग होती है, जिससे भी आप इनको पहचान सकते हैं। उसके साथ ही साथ इसमें इस तरह से रनर्स निकले होते हैं, और उन रनर्स में आपको जड़ें देखने को मिल जाएंगी और छोटे छोटे फ्लावरिंग बर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो जिससे आप बड़े आराम से इस पौधे को पहचान सकते हैं। कुछ लोग इस पौधे को भी मंडूक पर्णी यानी कि गोटू कोला का पौधा कहते हैं। ये वो पौधा नहीं है। इस पौधे के बारे में मैं किसी और दिन बात करूंगा, लेकिन आज मैं इस बात करने वाला हूं अपने ब्राह्मी बूटी, गोटू कोला या फिर मंडूक पर्णी के प्लांट के बारे में। बात करें अगर इस प्लांट के केयर की, तो आपको इस प्लांट को सेमी शेड में रखना होगा। इस प्लांट का पॉटिंग मीडिया आपको ऐसा रखना होगा इसमें पानी रुकने ना पाए। आप पानी डालें तुरंत का तुरंत सारा का सारा पानी निकल जाए, लेकिन नमी आपके पॉटिंग मीडिया में बनी रहनी चाहिए। बात करें अगर आयुर्वेदिक लाभ की, तो सबसे पहला लाभ इसका यही है जिसके लिए ये पौधा फेमस है, ये आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 10-15 मिनट पढ़ते उन्हें सब कुछ याद हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें फोकस की कमी होती है। वो पूरा का पूरा दिन पढ़ने में लगा देते हैं, लेकिन उनको ठीक से याद नहीं हो पाता क्योंकि उनमें फोकस की कमी होती है। ऐसे बच्चों के लिए ब्राह्मी किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आपको मानसिक थकान बहुत जल्दी हो जाती है, आपको चिंता बहुत ज़्यादा रहती है, तब भी आप ब्राह्मी का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है, नींद बहुत कम आती है, उसके लिए भी आप ब्राह्मी का प्रयोग कर सकते हैं। किसी को मानसिक विकार है, पागलपन के दौरे पड़ते हैं, उसको भी आप ब्राह्मी का प्रयोग करके जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी को मिर्गी आती है तो उसमें भी आप ब्राह्मी का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि दिमाग से जुड़ी हुई, हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई जितनी भी व्याधियाँ होती हैं, जितनी भी कमजोरियाँ होती हैं, उनके लिए आप ब्राह्मी का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों तरह की ब्राह्मी आपके पास जो भी उपलब्ध हो, दोनों तरह की ब्राह्मी का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे ब्राह्मी के पौधों में घाव भरने की भी शक्ति होती है। किसी को अगर चोट वगैरह लग जाती है तो इसकी पत्तियों को पीस करके वहाँ पे लेप लगा दें, आराम देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप ब्राह्मी की पत्तियों का पेस्ट बना करके अपने बालों पर भी लगा सकते हैं, जिसके कारण आपके बालों में रूखापन, बालों का झड़ना, रूसी जैसी समस्याओं से निजात देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ ब्राह्मी का तेल भी मार्केट में आता है, जिसका प्रयोग करके भी आप जो है बालों पे लाभ पा सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप इनके तेल को जो है सर पे लगाते हैं, तो जो फायदा आपको खाने पर करता है, उसी तरह से इसका सर में तेल लगाने से आपकी याददाश्त बढ़ती है। बात करें कि इसको प्रयोग कैसे करना है, तो आप इनकी पत्तियों से रस निकाल सकते हैं। 4 से 5 पत्तियां तोड़ लें, उनका रस निकाल लें, उनको आप प्रयोग में ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो इनकी पत्तियों को ऐसे कच्चा भी खा सकते हैं, बहुत स्ट्रांग फ्लेवर नहीं होता है। 1-2 पत्तियां आप सुबह खाली पेट इनको ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इनकी पत्तियों को 3 से 4 पत्तियां तोड़ लें, सलाद में मिला लें, सलाद के साथ आप इनको ले सकते हैं। या फिर आप 2 से 3 पत्तियां तोड़ करके इसको आप पानी में डाल दें, पानी को धीरे धीरे उबाल लें, उस पानी को भी आप पी सकते हैं। किसी भी तरह से आप प्रयोग करें, आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप इसका प्रयोग खुद भी कर सकते हैं, आपके यहाँ पे कोई छात्र है जिसको फोकस में कमी होती है, बहुत जल्दी थकान लग जाती है मानसिक, तो उससे भी इसका प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आपको ऐसे ही प्लांट से जुड़ी हुई जानकारियाँ आगे भी चाहिए, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे Facebook पेज को फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।